भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इन मंदिरों में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित इस मंदिर को 1213 ईस्वी में बनाया गया था। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं सदी की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी शामिल है। मंदिर में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी खूबियां हैं, जो लोगों को हैरत में डालती हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि यह सब भगवान की कृपा है, जबकि कई लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए जानते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार प्रसिद्ध मूर्तिकार रामप्पा थे। इस मंदिर के निर्माण में 1173 से 1213 तक का यानी 40 साल का समय लगा था। इस मंदिर का नाम मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर ही रखा गया है। इस मंदिर का बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, डोलराइट और चूने के इस्तेमाल से निर्माण किया गया है। अपनी जटिल नक्काशी के लिए यह मंदिर जाना जाता है, जो इसकी मूर्तियों, दीवारों, स्तंभों और छतों तक पर दिखाई देती है। मंदिर का शिखर या गोपुरम को खास ईंटों से बनाया गया है। यह ईंटें इतनी हल्की हैं कि पानी में डालने पर तैर सकती हैं। इन ईंटों का वजन 0.85 से 0.9 ग्राम सीसी है, जिनका घनत्व पानी के घनत्व से 1 ग्राम सीसी कम है। इन ईंटों को बबूल की लकड़ी, भूसी और हरड़, एक फल के मिट्टी को मिलाकर बनाया गया है। इनको स्पंज की तरह बनाते हैं, जिसकी वजह से यह ईंटें पानी में तैरती हैं। मंदिर के स्तंभ बेहद खास है। मंदिर के एक स्तंभ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जिसमें वह एक पेड़ पर बैठे हुए बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं। यह गोपिका वस्त्रापहरण की पौराणिक कहानी को दिखाता है। भगवान की मूर्ति पर टैप करने पर सप्तस्वर सा, रे, ग, म, प, ध और ने सुनाई देता है। मंदिर में एक नक्काशी ऐसी बनी है, जिसमें बीच में 3 नर्तकियां हैं, लेकिन पैर सिर्फ 4 हैं। अगर आप बीच वाली नर्तकी के शरीर को बंद कर देते हैं, तो आप 2 लड़कियों को नृत्य करते हुए देख सकेंगे, लेकिन जब आप लड़कियों के शरीर को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, तो बीच के पैर बीच में नर्तक के पैर बन जाते हैं। मंदिर में विराजमान देवता भगवान शिव है। दिन में गर्भगृह में 4 ग्रेनाइट स्तंभों द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है। इसको आंतरिक गर्भगृह की तरफ मोड़ दिया जाता है। इससे पूरे दिन मंदिर में उजाला रहता है। यह थी काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।